नमस्ते दोस्तों, ये है क्रिएटिव SBS 380 स्पीकर का सबवूफर जो विदाउट कंट्रोल सेक्शन के है, यानी कि इसका छोटा स्पीकर नहीं है जिससे इसका कंट्रोल सेक्शन कनेक्ट होता है, जो यहाँ पे होता है दोस्तों। तो सबसे आगे हम लोग इसे खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर में क्या है और क्या इसे बिना कंट्रोल सेक्शन के इसे बजा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बजा सकते हैं, जो मैं इसे बाद में बताऊंगा आपको। तो सबसे आगे इसे खोलते हैं। पहले मैं इसका आगे सबवूफर खोलता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है ढीला करके। तो ये मैं खोल लेता हूँ। सबवूफर ठीक ही है, हल्का है और कम वाटेज के लिए ठीक ही है, क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक बोलेंगे। और इसके बोर्ड को देखते हैं, तो मैं बोर्ड को निकालता हूँ। ये इसका फ्रंट है, बारिश भींगने का थोड़ा ख़राब हो गया है। तो ये बैक है, हालांकि ये पूरा चालू है, मैंने इसे ऑलरेडी खोल के रखा है। तो ये इसका दो एम्पलीफायर हैं, जो TA-2025 हैं जैसा कि इसमें लगता है। और ये इसका सबवूफर का फिल्टर है, ये 4558 है। और ये इसका बैक पोर्शन है, ये देख सकते हैं। ये इसका लेफ्ट चैनल आउटपुट है, ये कंट्रोल सेक्शन के लिए जाता है, जो छोटे वाले स्पीकर से कनेक्ट होता है, जो नहीं है। और ये 10 वोल्ट AC इन है, हालांकि इसे हम लोग यहाँ पे DC देकर डायरेक्ट कैपेसिटर में, जो इसका आउटपुट कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा कर कैपेसिटर पर कनेक्ट करके डायरेक्ट DC 9 वोल्ट से बजा सकते हैं। अगर बैटरी अगर है तो उससे भी बजा सकते हैं, किसी गाड़ी उड़ी में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो रहा इसका अंदर में क्या है नहीं है। पहले से ज़्यादा अच्छा इसका सबवूफर फिल्टर है, जो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है, पुराने वाले से ज़्यादा अच्छा है। क्वालिटी भी इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो दिख रहा है, ये टोटल सबवूफर का फिल्टर है, जिसको काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया गया है पुराने किसी भी मॉडल से। तो इसका साउंड अच्छे क्वालिटी का होने का कारण एक ये भी है। बाकी एम्पलीफायर तो वही है इसका 2025, जो यहाँ दिख रहा है, एक ब्रिज है जो सबवूफर के लिए है और एक स्टीरियो है जो दो छोटे स्पीकर के लिए है, जिसका आउटपुट यहाँ पे है, आउटपुट कैपेसिटर यहाँ पे है सेटेलाइट जो छोटे स्पीकर का, तो यहाँ लेफ्ट के लिए है। और जो एक और जो चैनल है राइट वाला, वो यहाँ से निकलता है इस कंट्रोल सेक्शन में जाने के लिए। तो हम लोग इसे देखेंगे कि क्या इसे बजा सकते हैं। तो हाँ, बजा सकते हैं। तो हम लोग इसे जूम में करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कनेक्शन कैसे करना है। और सर्किट में भी मैंने दे दिया है, तो कनेक्शन को मैं करने के लिए मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं इसे। तो ये इसका कंट्रोल सेक्शन का पिन कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। ऊपर वाले को छोड़ देंगे, वो ग्राउंड है। नीचे वाले को लेफ़्ट साइड से जो ये वाला दिख रहा है 1 नंबर, और ये जो 2 नंबर पिन है लेफ़्ट साइड से, वो दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। ये ध्यान रखना होगा कि लेफ़्ट साइड से 1 नंबर और 2 नंबर पिन को शॉर्ट कर देने से पावर इन हो जाएगा, क्योंकि ये इसका यहाँ से AC जा रहा है डायरेक्ट से आउटपुट होकर DC, और ये फिर वापस आता है इसमें कैपेसिटर के लिए। बिना फिल्टर हुए ये जाता है और वापस कैपेसिटर में आता है फिल्टर होने के लिए आउटपुट में। तो ये दोनों को शॉर्ट करना है लेफ्ट साइड से, 1 नंबर और 2 नंबर को ध्यान रखना होगा। और उसके बाद वाला पिन आउटपुट है, ये जो 3 नंबर पिन दिख रहा है ये आउटपुट है, ठीक है, राइट चैनल का। और उसके बाद जो 2 आपको पिन देख रहे हैं, ये दोनों इनपुट हैं, ऊपर वाला पिन और एक जो नीचे में दिख रहा है यहाँ पे। मैं सर्किट में पूरा डिटेल है लिखा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाला और ये 2 पिन जो है ये इनपुट है 2 चैनल के लिए, ये एम्पलीफायर के और सबवूफर फिल्टर के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल लगाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट साउंड आएगा, फुल साउंड आएगा। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल के थ्रू आउटपुट यहाँ पे लगा देना पड़ेगा इसके इनपुट को। तो यहाँ पे
एक वॉल्यूम कंट्रोल यूज करना पड़ेगा एक सबवूफर के लिए और एक सेटेलाइट चैनल के लिए। और डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक वॉल्यूम कंट्रोल देने से दोनों ही कंट्रोल हो जाएगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक ही वॉल्यूम कंट्रोल से ये कंट्रोल होता है। इसके लिए सबवूफर के लिए नहीं है, अगर सबवूफर के लिए चाहिए तो इसके इनपुट में एक आप वॉल्यूम कंट्रोल यूज कर सकते हैं, तब अलग अलग हो जाएगा, और नहीं तो एक ही वॉल्यूम कंट्रोल से आप कंट्रोल करना पड़ेगा। वो मैं सर्किट में दिखा दूंगा, अगर अगर इसको सबवूफर के फिल्टर अगर अलग करना है बेस कंट्रोल को तो वो हो सकता है। इनपुट में उसे हटा देना होगा, सबवूफर फिल्टर बाद में और एम्पलीफायर के इनपुट के बीच में लगाना होगा एक वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, और इसका 4 नंबर पिन का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिर्फ 5 नंबर पिन में आपको इनपुट और उसके ऊपर वाले पिन में इनपुट मिलेगा, यही है जो सर्किट में आपको मिल जाएगा। और ध्यान यही रखना होगा कि लेफ्ट साइड से 1 नंबर और 2 नंबर पिन इसका शॉर्ट करने से पावर ऑन होगा, और इसे बहुत सावधानी से करके चेक कर लेना होगा किसी अच्छे मैग्नीफाई ग्लास से देख कर, ताकि और कहीं शॉर्ट ना हो, नहीं तो एम्पलीफायर शायद नष्ट हो सकता है, तो ये ध्यान रखना होगा इसे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी इसे रिपेयरिंग करते हैं और उसके बाद इसे ठीक करके कैबिनेट को इसे ब्लूटूथ स्पीकर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके एम्पलीफायर को भी मैं दिखा दूंगा इसमें कि इसे कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा बेटर होता है अगर LF4192 अगर इसमें यूज किया गया होता तो इससे एटलीस्ट मैंने 2 टाइम बेटर साउंड हम लोग ले सकते थे। 4192 अगर ऐसा इसमें LA यूज किया जाए तो ये से मच बेटर साउंड है और काफ़ी अच्छा प्रेशर और क्वालिटी है। तो ऐसे सिस्टम में अगर LA का यूज अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड पाइएगा। ओके, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।